22 साहब 2024, 25 और 26 में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इन तीन सालों में केजीएफ चैप्टर 3, पुष्पा 2, गदर 3 और पठान 2 जैसी मूवीज रिलीज होने वाली हैं। 2023 के एंड में तो एसआरके और सलमान खान ने इंडियन सिनेमा में दस्तक दी थी टाइगर 3, जवान, डंकी, प्रभास की सलार और रणबीर कपूर की एनिमल ने। और वहीं 2024 में भी 12th फेल फाइटर हनुमान जैसी मूवीज रिलीज हुई हैं। लेकिन अब 2024 और 25 में एसआरके अपना सबसे बड़ा कमबैक पठान 2 के साथ करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 अपकमिंग मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 की, जिसमें अजय देवगन बड़े पर्दे पर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और साथ ही साथ इस मूवी में करीना कपूर, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ ने भी काम किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सिंघम अगेन की। मूवी के रिलीज होने से पहले ही अर्जुन कपूर का फोटो रिलीज कर दिया गया विलन के रूप में। इसका मतलब मूवी के मेकर्स को पहले से ही पता है कि ये मूवी 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है। इस मूवी को रोहित शेट्टी ने अपने अंदाज में डायरेक्ट किया है। वहीं ये मूवी 15 अगस्त 2024 को इंडियन सिनेमा में दस्तक देने वाली है। टॉप 9 पर है हाउसफुल 5। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 6 जून 2025 को रिलीज होने वाली है, जो कि अगले साल ही थिएटर में दस्तक देगी। अक्षय कुमार की हाउसफुल मूवीज को इंडिया में लगभग 15-20 बार तो एक बंदा देखता ही है। वहीं इस मूवी को 375 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जाएगा। तरुण मनसुखानी द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी में संजय दत्त, क्रीति सनुन और जॉनी लीवर ने काम किया है। इसके अलावा आपको पता ही है कि हर बार की तरह लीड रोल में अक्षय कुमार ही होने वाले हैं। टॉप 8 पर है रामायण पार्ट 1। इस मूवी में लीड रोल में है रणबीर कपूर, जो राम का करेक्टर प्ले करेंगे। सनी देओल हनुमान का, साई पल्लवी सीता का और रावण का यश प्ले करेंगे। उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि सनी देओल का भाई यानी कि बॉबी देओल इस मूवी में काम करेंगे। भाई साहब, मूवी का बजट 700 करोड़ प्लस होने वाला है। वो बात अलग है कि आदि पुरुष का बजट भी 600 करोड़ था, लेकिन भाई रामायण पार्ट 1 के डायरेक्टर नितेश तिवारी उनकी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहते। वहीं इस मूवी को 3 पार्ट में बनाया जाएगा और इस मूवी को अगले ही साल यानी 2025 के दिवाली वीकेंड में बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। टॉप 7 पर है गदर 3। सनी पाजी ने पिछले दिनों ही गदर 2 के साथ कमबैक किया था। अब वे लाहौर 1947, बॉर्डर 2, सफर और माँ तुझे सलाम 2 जैसी मूवीज के साथ फिर से कमबैक करने वाले हैं। लेकिन उनकी सबसे मस्ट अवेटेड फिल्म है गदर 3। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में फिर से लीड रोल में है सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर। वहीं इस मूवी को 2025 के एंड में रिलीज किया जाएगा। टॉप 6 पर है कांगवा। ये मूवी एक साउथ इंडियन मूवी है। कांगवा मूवी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। वहीं इस मूवी को 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जाएगा और इस मूवी में लीड रोल में है सूर्या और बॉबी देओल। इस मूवी में विलन के किरदार में बॉबी देओल होने वाले हैं और इस मूवी को इंडियन सिनेमा में 11 अप्रैल 2024 को रिलीज किया जाएगा। इस मूवी को 38 लैंग्वेज में सिनेमा में रिलीज किया जाएगा। टॉप 5 पर है लाहौर 1947। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल अपनी गदर 2 की सफलता के बाद अपनी और नई फिल्मों के साथ कमबैक करने वाले हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट लाहौर 1947 भी है। जनता का मानना है कि इस मूवी में सनी देओल के साथ आमिर खान भी नजर आएंगे। लाहौर 1947 को राजकुमार संतोषी अपने अंदाज में इसे शूट करेंगे। इन्होंने घायल, घातक और रामिनी जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। वहीं ये मूवी थिएटर में 2025 या 2026 के फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगी। टॉप 4 पर है पुष्पा 2। जी हाँ दोस्तों, स्टाइल स्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में फिर से एक बार दिखाई देंगे। दोस्तों, जैसे पुष्पा 1 का नाम पुष्पा दी राइज था, ऐसे ही पुष्पा 2 का नाम पुष्पा 2 दी रूल होने वाला है। इस मूवी में फिर से लीड रोल में है अल्लू अर्जुन, पुष्पाराज और रश्मिका मंडाना और संजय दत्त इस मूवी में कैमियो करने वाले हैं। पुष्पा 2 को इंडियन सिनेमा में 15 अगस्त 2024 को रिलीज किया जाएगा। टॉप 3 पर है काल्की। प्रभास की सलार मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है, बट अब प्रभास की नई मूवी आ रही है काल्की, जिसको प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवी का बजट 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने वाला है। इस मूवी में लीड रोल में है प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन। काल्की मूवी को इसी साल में 9 मई 2024 को रिलीज किया जाएगा। टॉप 2 पर है केजीएफ चैप्टर 3। एक बार फिर से रोकी भाई केजीएफ चैप्टर 3 के साथ कमबैक करने वाले हैं। इस मूवी को 400 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया जाएगा। केजीएफ चैप्टर 3 की शूटिंग अक्टूबर 2024 में शुरू होगी और हमें ये मूवी 2025 में देखने को मिलेगी। इस मूवी में विलन का किरदार संजय दत्त करने वाले हैं। टॉप 1 पर है पठान 2। शाहरुख खान की पठान मूवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे और स्पाई यूनिवर्स के हाल ही की सबसे बड़ी फिल्म पठान है। पठान में जिम विलन होता है। पठान का कनेक्शन टाइगर 3 वॉर 2 से है। पठान 2 मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है। ये फिल्म हमें 2025 के सेकंड हाफ में देखने को मिल सकती है। वहीं क्या टाइगर वर्सेस पठान मूवी बनेगी, ये पब्लिक को डाउट है। जी हाँ दोस्तों, पठान वर्सेस टाइगर रिलीज होगी। वेल दोस्तों, आप किस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको 2024 की और एक्शन थ्रिलर अपकमिंग मूवीज देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनमें से कितनी मूवीज तुम्हें पता थी जरूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में।